प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके यूसी अर्थात यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर, जिसके ऑलरेडी आपके 9 लेक्चर हो चुके हैं। और बच्चों प्रीवियस लेक्चर में यदि आपको याद हो तो हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था आपके बुक के। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी MN टेस्ट जो उन पर अप्लाई हो सकता है किस तरीके से हो सकता है देखते हैं। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिद्ध करना है कि लिमिट n टेन टू 1 टू इन्फिनिटी यानी समेशन ऑफ un, हमें क्या दिया बच्चों, समेशन ऑफ un n टेन टू 1 टू क्या लेना आपको इन्फिनिटी। तो समेशन ऑफ un का बच्चों मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर sn। समेशन ऑफ un का बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा आपका sn हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको दिया गया है एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर, एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस, आगे आपको दिया गया है एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 का होल क्यूब एक्स स्क्वेयर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इसका बेसिकली मेन कंसेप्ट है बच्चों, आप उसको समझने की कोशिश करो एक बार। ये जो कंसेप्ट है इसका वो क्या है भाई, आपको यदि याद हो तो जो फॉर्मूला होता है भाई एम का, मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि एस एन एक्स माइनस एस ऑफ एक्स, जहाँ एस ऑफ एक्स आपका लिमिट फंक्शन होता है, इसे आप अच्छे तरीके से जानते हो निकालना भी। लेकिन क्या यहाँ पर आपके पास जो एस एन है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, ये सोचिए एक बार। इस क्वेश्चन में क्या आपके पास जो एस एन है वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। आपको जो एस एन है वो यू एन की टर्म में दिए, सॉरी यू एन के फॉर्म में दिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम ये होगा, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एस एन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एस एन के अंदर बच्चों इसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, या जो इसकी सीरीज बनेगी तो वो देखिए आप। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं n इक्वल टू 1 यूज करता हूँ। मैं क्या यूज करता हूँ, n इक्वल टू 1। कोई स्टूडेंट कहेगा सर n इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, अभी 0 क्यों नहीं लिया या और कोई वैल्यू, तो आप देख सकते हो यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यानी मुझे 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाना है। तो n इक्वल टू जब मैं 1 यूज करूँगा तो यू 1 बन जाएगा, क्या जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सिर्फ इतना। क्योंकि बच्चों यहाँ देखो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात थी, कोई डाउट है यदि मैं दिमाग में बैठ गई होगी। फिर आगे देखिए, जब मैं n इक्वल टू पुट करूँगा तो यू 2 की बच्चों जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, इतनी बात तो दिमाग में बैठी होगी आराम से। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ती है, n इक्वल टू मैं 3 यूज करता हूँ तो u 3 बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि 3 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स अपॉन, फिर 2 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 क्यूब एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों इस तरीके से चलता हुआ जब मैं n माइनस 1 यूज करूँगा, n की जगह जब मैं क्या यूज करता हूँ n माइनस 1 यूज करूँगा, तब देखिए मेरे पास क्या आएगा, तब मेरे पास आ जाएगा u ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 के क्यूब एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस n माइनस 2 का होल क्यूब एक्स स्क्वेयर। और इस तरीके से जो nth टर्म है वो हमें दी तो हुई है, लेकिन एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। यार बच्चों मेरे पास n स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब एक्स स्क्वेयर, कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। इतनी बात समझ आई या नहीं, मैंने क्या किया यहाँ पे इस, तो आपके लिए ये यू एन को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट किया है, और क्या किया भाई, अलग अलग हमने वैल्यू पुट किया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। लेकिन बच्चों अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो देखने वाली है और समझने वाली है हमारे लिए, कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे एस एन चाहिए।
एसएन के लिए आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग से ही कि एसएन क्या होता है, यू वन प्लस यू टू प्लस, इस तरीके से यू एन होता है, होता है या नहीं होता है भाई, होता है ना, जानते भी आप सभी, क्योंकि ऐसी एक प्रोसेस हमने पढ़ी भी है। तो अब बच्चों इसको आप ध्यान से समझो, जब मैं इनको ऐड करूँगा देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये सॉरी आगे जो भी पता आएगा इससे ये भी कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ मेरे पास क्या आएगा एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर एक्स अपॉन वन एन क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस वन। इसको एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इतने बात समझ आई या नहीं, आराम से इसको एक बार देखो भाई, इतनी बात आप सभी के दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, क्लियर होगी होगी इतनी बात भी। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना, देखो इस तरह के केस में या तो आपको एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ मिलेगा, यदि एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो आपको फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। यदि हमारे आपके पास है ये जो एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु यदि कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर आपके पास यू एन के टर्म है तो आप सबसे पहले उसको एस एन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और जो यू एन है बच्चों वो याद रखना कोई सीधी सीक्वेंस जरूरी नहीं है, वो ए पी जी पी एच पी या अदर कोई भी सीक्वेंस पॉसिबल है, तो आप बस वो बातें खासकर याद रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब एसएन आ गया तो जब मैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन एक्स लिखूँगा, एस एन लिखूँ डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा जीरो। अब इतनी बात बच्चों आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो कैसे डायरेक्टली मैंने जीरो लिखा, आप जो जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रही हो उसको देखो, आप एन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके जो हाईएस्ट पावर है हम उनको देखते हैं, यदि हाईएस्ट पावर जो ऊपर है वो कम है नीचे ज़्यादा है तब तो जीरो, ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो इन्फिनिटी, हाँ और पावर इक्वल हो हाईएस्ट दोनों की ऊपर और नीचे जिन पर आप लिमिट अप्लाई कर रही हो, इन्फिनिटी के केस में कह रहा हूँ, और दोनों का कोफिशियंट सेम हो, दोनों का कोफिशियंट का जो रेशियो वही होगा तो सेम हो तो वन आ जाता है, अदरवाइज रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो जो m होगा वो मोड ऑफ एस एन माइनस एस, एक बार लिखा है मैंने इसको, तो ये m डायरेक्टली मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे एन स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर, एम आ गया, इतनी बात समझ आई या नहीं भाई, मेरे पास m आ गया इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो ये फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं कि जब m आ गया तो फिर अवकलन कर दूँ इसका, m डैश x के रिस्पेक्ट में जब आप इसका अवकलन करोगे u अपॉन v, तो आप रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे v एज इट इज, इसका अवकलन n स्क्वेयर ही होगा, माइनस u एज इट इज, इसका 2x आ जाएगा 2x n क्यूब कुछ ऐसा अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया इतना तो। भी अवकलन करना आप जानते हो, u अपॉन v वाला फॉर्मूला, v छोड़ो u का अवकलन माइनस u छोड़ो v का अवकलन डिवाइड बाय v स्क्वायर। लेकिन जब आप इसको जीरो के इक्वल लेकर बच्चों सोल्व करते हो तब बात आती है समझने वाली। तो भी देखो ये कंप्लीट वैल्यू अगर जीरो के इक्वल हुआ तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो ही गया, ठीक है, ये तो जीरो आपका हो ही गया। लेकिन जो ऊपर वाला केस है उसको यदि मैं सोल्व करके लिखता हूँ जीरो के इक्वल, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा एन स्क्वेयर प्लस एन फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस टू एन फाइव एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कि भाई इनका जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ऐसे ही केस बन जाएगा। तो एन स्क्वेयर माइनस एन फाइव एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, एन स्क्वेयर से डिवाइड कर दो तो वन माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी बच्चों वन अपॉन एन क्यूब, एक्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू। एक बार इतना देखो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आएगी आपके पास वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू, क्योंकि वन का रूल यहाँ पे प्लस माइनस मत लगा देना, ठीक है, प्लस माइनस केस वो अलग बात है। इतने बात देखो बच्चों आराम से समझ आई या नहीं आई, देखो आपके सामने पूरा, ये देखो सबसे पहले मैंने क्या किया एस एन निकालना जरूरी है, आपको पता है भी एस एन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रूल होता है वो एस एन के लिए यूज करते हैं हम। एस एन के लिए सबसे पहले क्या किया मैंने भाई यू वन यू टू यू थ्री इन सबको फाइंड आउट किया, एस एन क्या होता है इन सबका योग होता है, इन सबका सम कर दो योग कर दो, योग करने के बाद ये रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी एस एन जीरो होगा, एम टेस्ट अप्लाई करने के लिए एस एन माइनस एस निकाला, उसके ऊपर एक बार अवकलन करके जीरो के इक्वल लिया तो सोल्व किया तो ये आया। अगर बच्चों जब आप इसका दोबारा अवकलन करके एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये मैक्सिमम ही बनेगा, ठीक है, उसमें से मत लेना।
लेकिन मुझे अब ये देखना है कि ये जो x की वैल्यू आई है उसके ऊपर जो m है वो क्या महत्व रखता है। ये जो x की वैल्यू आई है बच्चों उसके ऊपर m की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखो तो x आया है बच्चों मेरे पास 1/n^3/2, ठीक है। और m क्या है, m यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो m मैंने निकाला था ये रहा कि एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1+n³, यहाँ पे 1 है बच्चों, ठीक है, एक्स स्क्वेयर। तो अब मैं भी वैल्यू पुट करता हूँ dx की जगह तो क्या आएगा, देखो आप एन स्क्वेयर इंटू 1/n³/2 1+n³, एक्स स्क्वेयर की पावर 1/n³, इससे ही कैंसिल हो गया तो 1/1 आ गया 2। तो बच्चों ये आ जाएगा √n/1+1 कितना हो गया 2 हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जब आप इस पर लिमिट n→∞ m अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। भाई इन्फिनिटी आएगा तो क्या 0 के इक्वल है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इससे रिजल्ट क्या बन गया, इससे रिजल्ट ये बन जाएगा कि जो दिया गया सिक्वेंस वो सीरीज है वो UC नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था कि जो फलनों की ये सीरीज जो है पदों की वो एक समान अभिसारी यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं, क्लियर हुआ कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों बस आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है, लिखने का तरीका आना चाहिए बस, और टेस्ट अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो दिमाग में रखनी चाहिए। यदि इतनी बात आप याद रखते हो बच्चों यूसी का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बच्चों यदि आप बुक को ध्यान से देखो तो यही क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है देख लो मिलते जुलते हैं या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी से मिलते जुलते हैं, यानी आपको पद दे रखे हैं अलग अलग आगे चल रहे हैं, आपको क्या करना है उनको सभी को ऐड करो। जैसे देखो 5 तो बच्चों एकदम सेम है हूबहू, ठीक है। हाँ 6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैं nth टर्म बता दूँ आपको, ठीक है, क्लियर हो जाएगी आराम से। बच्चों आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको शायद स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के कोई बच्चा कहते हैं सर स्टार्टिंग का जो आपने इरेज किया तो वो क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज को लिख लेना सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये बच्चों और क्वेश्चन को समझते हैं, ये आज जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने से आपके यूसी क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं बच्चों केवल एम एन टेस्ट, एक टेक क्वेश्चन एबल टेस्ट का भी होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सर एम एन टेस्ट अप्लाई करो तो क्योंकि एबल टेस्ट ईजी रहता है। मैं आपको बच्चों बार बार रिपीट की एक बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन एम एन टेस्ट से ही होते हैं, सारे एबल से होते हैं या डिजिटल से होते हैं। क्वेश्चन बच्चों डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर के ऊपर, भाई क्या प्रोसेस मैं यूज करूँ जिससे वो ईजी हो जाए। याद रखना एबल और डिजिटल टेस्ट तब होता है जब आपको उसको दो अलग अलग पदों की सीरीज में बना सको, एक को UN मान है एक को VN मान है, तब वो एबल या डिजिटल टेस्ट अप्लाई होता है उस केस में। अदरवाइज MN टेस्ट ही अप्लाई किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। जो बुक का ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है fn(x)(x)/(1+nx²) क्वेश्चन 4 जो है fn(x)(1+nx²) कुछ ऐसा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर, और हमें सिद्ध भी करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को प्रोसेस को समझते हैं, भाई जब सिद्ध करना आ जाए भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, लिमिट n→∞ fn(x)=0, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा, भी क्वेश्चन एक राइज होना चाहिए कि सर यदि x→∞ होता तो यहाँ पे x कोई फिक्स इंटरवल में तो नहीं दिया आपको, जो यहाँ पे जो x है वो आपको ये तो है नहीं भी कि आपको फिक्स इंटरवल में दे दिया जिससे आप ये लिख सको, कोई इंटरवल में नहीं है। यहाँ पे x क्या है, सिर्फ रियल नंबर इन्फिनिटी जा सकता है। लेकिन यदि x भी इन्फिनिटी को टेंड करता है तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आने का रीजन है कि नीचे x की पावर ज़्यादा है, तो जब इन्फिनिटी होगा तो नीचे पावर ज़्यादा है, n→∞ है तो वैसे ही 0 है, क्लियर होगी।
तो जो m होगा इससे ये माइनस करोगे, तो बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इतना तो आप समझ चुके होंगे। m क्या आएगा, m डैश, एक बार अवकलन करो v छोड़ दो, u का अवकलन एक माइनस u छोड़ दो, ये हो जाएगा 2nx अपॉन v स्क्वेयर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस 2nx स्क्वेयर अपॉन, तो इसका होल स्क्वेयर आएगा बच्चों 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन एक्स का होल एन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। 0 के इक्वल लेकर चलूँगा तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करने पर एक्स स्क्वेयर आएगा मेरे पास 1 अपॉन एन और एक्स आएगा 1 अपॉन रूट एन। यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, ये सबसे पहले क्या काम होता है हमारा कि हम एक्स की वैल्यू पता करते हैं ना, मान ज्ञात कर लिया, उसके बाद यहाँ अप्लाई कर दो। जब बच्चों मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो देखो आप कि m 1 अपॉन रूट एन 1 प्लस एन इंटू 1 अपॉन एन टी गेट, तो यह 1 अपॉन 2 रूट एन आ गया m। अब जब आप लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी m यूज करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, तो नीचे इन्फिनिटी आने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये 0 हो गया तो मतलब स्पष्ट है जो आपका ये फंक्शन है ऑफ सीक्वेंस है वो क्या है, यूसी अर्थात यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अब बताइए बच्चों आपको यूसी करने का जो प्रोसेस है वो समझ आया नहीं आया, तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 था इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, आपको U1 U2 दिए हुए आप उनको ऐड करो, थोड़ा सा माइंड लगाइए, ठीक है। सिक्स्थ में तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, सिक्स्थ में आएगा एन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा खुद को, ठीक है, तो वो आपके लिए रहेगा। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर एन माइनस 1, ये आपका UN बनेगा, ठीक है, आप उसको SN बनाओ। चलो मैं सेवन्थ करवा देता हूँ सर, थोड़ा सा सेवन्थ क्वेश्चन को बच्चों मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, करने की प्रोसेस आपके लिए रहेगी, ठीक है, करने की प्रोसेस आपके लिए रहेगी सारी की सारी, हाँ, लेकिन SN क्या होगा वो सर किसी की कन्फ्यूजन हो सकता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, यदि आप देखो तो आपके साथ जाना पहचाना क्वेश्चन है, ये जाना पहचाना का मतलब ये नहीं कि इसी सवाल की है, पहले का कहीं किया होगा इसी से रिलेटेड, देखो समझो कुछ माइंड में आता है क्या, मेरे इतनी बात आप सीख जाते हो ना दिमाग लगाना कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ पड़ा होगा, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हमारी पड़ी हुई है, तो बस प्रीवियस चीज़ों यूज करना सीख जाओगे तो बहुत बेटर होता है। क्वेश्चन यूजली कैसे, इसको सीरीज को लिखता हूँ मैं, देखो सेवन जो है बच्चों वो है एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, बच्चों कुछ ऐसी सीरीज चल रही है, एक बार इस पर देखो, एक बार दिमाग लगाओ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, क्या इस तरीके की कोई सीरीज आपकी पढ़ी हुई है कभी, क्या इस तरीके की कोई सीरीज आपकी कभी पढ़ी हुई है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, देखो आराम से बताओ, क्या इस तरीके की कोई सीरीज बना सकते हो क्या आप, जो आपकी पढ़ी है बच्चों, आराम से सोच के जवाब दो, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो, तो बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसके अंदर एक सीरीज दिखाई देगी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, जिसे आप क्या कहते हो जीपी, जिसे आप क्या कहते हो जीपी कहते हो, क्या कहते हो बच्चों जिसे आप जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, पढ़ी हुई है या नहीं, अब शायद याद आ गई होगी ना, पढ़ी हुई है लेकिन अब याद आ जानी चाहिए, ओके, बताने के बाद तो कम से कम याद आ जानी चाहिए, हाँ पहले याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बच्चों वैसे याद, देखो दिक्कत तो है भाई, याद हो तो इजीली पता चल जाता, याद नहीं तो थोड़ा दिमाग लेना पड़ा, भाई जीपी है, जीपी में जो फर्स्ट टर्म है ए वो है एक्स स्क्वेयर, जो कॉमन रेशियो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स आपको कहीं से भी नहीं दिया हुआ है, यदि एक्स दिया हुआ होता तो मैं बता देता, बाकी एक चीज़ तो है कि r इज लेस देन 1 होगा हमेशा, इतना तो सॉरी इसको ऐसे लिखना था, r इज लेस देन 1, लेस इक्वल होना चाहिए, ओके, कि जब x कुछ नहीं है तो मैं इसको रियल नंबर मान लूँ, फिर भी यदि x कुछ नहीं है तो मैं इसको क्या मान लूँ, फिर रियल नंबर मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। अब आपको कहे लेस क्यों है, तो बच्चों देखो स्क्वेयर है, स्क्वेयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अभी मिनिमम 0 होगा, तो नीचे वाला 0 तो 1, बाकी ऊपर नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होती है ऊपर वाली से,
वन से लेस होगी। ये वन से लेस वाला क्या सिस्टम है, वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है बच्चों। जो SN का फॉर्मूला होता है वो होता है A, यहाँ पे होता है R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। कब लिखते हैं, जब R इज ग्रेटर देन वन हो, लेकिन R लेस देन वन है तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ठीक है बस समझ आ गई होगी। इसको मैं बच्चों कुछ इस तरीके से लिखूंगा फिर, यदि R लेस देन वन है तो ये क्या जाएगा, A की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर एन अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वेयर। पहले बच्चों इसको थोड़ा सा नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, देखो मैं ये उधर आएगा हाँ या ना, एक से गया एक्स स्क्वेयर बचेगा, ये उलट के ऊपर आएगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा मेरे हिसाब से, एस एन इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर है, ठीक है स्टूडेंट कुछ ऐसा आएगा, आराम से देख लीजिए कोई डाउट है तो। कैसे है मैं बता देता हूँ, जब मैं लघुत्तम लूँगा इसको एलसीएम लूँगा तो ये उधर जाएगा एक के गुणा में, और एक माइनस होगा तो एक से एक गया, ऊपर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये रिवर्स में ऊपर आ जाएगा। अब यदि इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर एन, और लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन आएगा वन प्लस से एक्स स्क्वेयर। अब आप कहोगे सर क्यों, ये बात और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, चलो एक ही माइंड में आएगा सर ऐसा क्यों, तो क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल वन है या नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल वन है या नहीं है भाई, अगर वन से ग्रेटर है तो बच्चों जैसे जैसे मैं उसकी पावर इंक्रीज करूँगा तो वो और बड़ी होती जाएगी या नहीं जाएगी भाई, और बढ़ेगी, और बढ़ने का कारण ये हो गया कि जब इन्फिनिटी की ओर जाऊँगा तो वो किसकी ओर जाएगी, इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगी, इन्फिनिटी की ओर जाने की वजह से ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है या नहीं होता, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका, जीरो होता है, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होते ही ये कंप्लीट जीरो, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। जो m आपका वो क्या आएगा, m इससे ये माइनस करके और इसको मोड के अंदर लोगे तो m आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर n, कुछ ऐसा, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर होगी बात। एंड जब आप इस पे m अप्लाई करोगे यानी इससे ये माइनस करोगे तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, और ये आएगा लेकिन ये मोड के अंदर लेना होता है, आपको पता होगा मोड के अंदर नेगेटिव है तो आप क्या लिख दोगे इसको, भाई पॉजिटिव ही लिखोगे जायज बात है, तो बस आपका m आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब जो आपका काम है, अब सिंपल सी प्रोसेस है, अब देखो क्वेश्चन टफ नहीं रहे, अब क्या करना है, अवकलन करना है बच्चों, आप अवकलन करना जानते हो, x का मान निकालना आपका काम है, जो भी रिजल्ट है उसके आधार पे आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 8 है या 9 है वो सेम वही प्रोसेस है जिसमें आपको u1 दे रखा है, भाई सीरीज बनेगी हर बार कोई ना कोई सीरीज बन रही है, ठीक है, तो वो आपका काम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 GP बनेगा, और 9, 10, 11 जो आप उनमें क्या करो, n की वैल्यू 1, 2, 3 लिख के आगे अप्लाई करते जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो सीरीज़ कैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये चाहिए होमवर्क मान लीजिए, आप इनको ट्राई करोगे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूँगा। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर जो 12 है जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा लेंथी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल करने का मतलब देखो क्या है, यहीं पर बता रहा हूँ कि an धनात्मक कचरों की अभिसारी श्रेणी है, कितनी अच्छी बात है, an है जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट की कन्वर्जेंट सीरीज है, बहुत फायदा हो गया। तो an x की पावर n यू सी ये बताना है, और x बिलोंग फ्रॉम 0 to 1 है, तो x बच्चों एक दिष्ट ह्रासमान और x की पावर n एन आर विच लेस देन 1 प्रीबद भी है, ठीक है, एक दिष्ट रसमान है, प्रीबद है, और एन के कन्वर्जेंट
तो जो एबल टेस्ट है आपका उससे कंप्लीट सीरीज क्या हो जाएगी, यूसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बच्चों? जवाब दीजिए कंप्लीट। ये तो एबल टेस्ट है कि आप उसको दो सीरीज में लिख दो। एक क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग, साथ में बाउंडेड जीरो की ओर जानी चाहिए। तो वो दोनों बातें प्लस जो एक और है वो यूसी होना चाहिए या बिसारी, तो ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगी, यूसी। और कौन से टेस्ट से, एबल टेस्ट से। तो बच्चों यूसी आपका कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से, ठीक है। या फिर भी यदि क्वेश्चन में डाउट हो आप नेक्स्ट एग्जाम में उसे पूछ सकते हो। यदि लगा कोई क्वेश्चन ऐसा करवाने हो तो मैं वापस करवा दूँगा, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट रहेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। टाइम को देखते हो जो मेन टॉपिक करवाने हैं मैं उसे उन्हीं को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम बच जाता है तो हम आगे के और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी अनंत समाकलन। यूसी आपको तैयार करना बढ़िया तरीके से। कोई डाउट होता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बता दिया जाएगा, ओके। तब तक के लिए बच्चों फिर टेक केयर, धन्यवाद।